जैसे कि प्लूटो और उसका मून भी टाइडली लॉक है, और यहाँ का तीन हैबिटेबल प्लैनेट उसके होस्ट स्टार से टाइडली लॉक है, जिसे डार्क साइड ऑफ द मून भी कहते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। अगर ये नहीं पता तो फिर यार स्कूल में तुमने 10 साल सिर्फ पैसा बर्बाद करा है और कुछ नहीं। एक्चुअली सिर्फ सन ही नहीं बल्कि मून, ऑल प्लैनेट एंड स्टार्स सभी के सभी ईस्ट में राइज होते हैं और वेस्ट में सेट होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम सब अर्थ से मून को सिर्फ 59% ही देख सकते हैं और बचा 41% जिसे हम अर्थ में से कभी देख ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मून अर्थ से टाइडली लॉक है। अब टाइडली लॉक क्या है ये समझते हैं। टाइडल लॉक होने के कारण मून का एक फेस ही अर्थ पे हमेशा दिखाई देता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मून जिस स्पीड से अपने एक्सिस पे रोटेट करता है एग्जैक्टली उतना ही स्पीड से अर्थ के अराउंड रिवॉल्व भी करता है, और इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं टाइडल लॉकिंग। सिर्फ अर्थ और मून ही टाइडल लॉक हो जरूरी नहीं, टाइडल लॉकिंग सिस्टम स्टार टू प्लैनेट, प्लैनेट टू प्लैनेट या फिर प्लैनेट टू मून भी हो सकता है, जैसे कि प्लूटो और उसका मून भी टाइडली लॉक है। ट्रैपिस्ट 1 भी एक सोलर सिस्टम है जैसा कि हमारा अपना एक सोलर सिस्टम है, और ये सोलर सिस्टम अर्थ से 40 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है, और यहाँ का तीन हैबिटेबल प्लैनेट उसके होस्ट स्टार से टाइडली लॉक है। हैबिटेबल प्लैनेट मतलब ऐसा प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सके। खैर हम लोग मून पे आते हैं। अब आप सब जानते हैं कि हम सब सिर्फ मून को 59% ही देख सकते हैं, जिसे हम ब्राइट साइड ऑफ द मून भी कहते हैं, जो कि ऐसा दिखता है। ऑफ कोर्स आई नो कि अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मून का 41% जो है वो कैसा दिखता है, जिसे डार्क साइड ऑफ द मून भी कहते हैं। 7 अक्टूबर 1959 सोवियत लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने ये पिक्चर कैप्चर किया डार्क साइड ऑफ द मून का। कुछ खास तो नहीं है बट नियर साइड से कम क्रेटर्स है और फार साइड में ज्यादा क्रेटर्स है, जैसा कि इस वीडियो में अभी आप देख सकते हो। तो बस यार चांद को कुछ ज़्यादा इज्जत दे दिए, इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ। तरह का और भी अगर साइंस वीडियो देखना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मस्त अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। अब तक के लिए ओके बाय।